आज हम लोग पढ़ेंगे पॉवर्टी चैप्टर और बहुत ही फास्ट हम लोग रिवाइज करेंगे क्योंकि अभी यूजीसी नेट के पेपर करीब है तो आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉवर्टी को बहुत फास्टली सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, साथ साथ हम लोग क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लीजिए पॉवर्टी है क्या। पॉवर्टी गरीबी, ठीक है। पॉवर्टी के अंदर बहुत कुछ आता है। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देते हैं। देखिए पॉवर्टी मतलब कि वेल बीइंग, ठीक है, वेल बीइंग, ठीक है, बहुत सारे जैसे कि सब कोई को बेसिक चीज मिल जाए। पॉवर्टी मतलब पॉवर्टी हर किसी को बेसिक चीज भी नहीं मिल पाता। हमारे देश का बहुत सारा प्रतिशत है जो कि गरीबी में बिता रहा है, जिनको बेसिक चीज तक नहीं मिल पाता है। बेसिक चीज तो आप सबको पता होगा, फूड, वाटर, सैनिटेशन, एजुकेशन, क्लोथ्स, सेल्टर, ये सब सारे हमारे बेसिक चीज़ है, ठीक है, जो कि नहीं मिलता। अगर एक आम इंसान को, ठीक है, उतना भी नहीं मिलता तो उसको हम लोग पुअर बोलते हैं। नॉर्मल इतना सारा चीज़ हर इंसान को मिलना चाहिए, उसके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो पॉवर्टी का डेफिनेशन जस्ट वैसा ही है जैसा मैंने बताया। डेप्रिवेशन इन वेल बीइंग कंप्राइज मेनी डायमेंशन, यहाँ पे क्या कॉम्प्रोमाइज कर रहा है बहुत सारे चीजों के साथ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इंक्लूड लो इनकम एंड अक्वायर बेसिक गुड्स, ठीक है, बहुत लो इनकम होगा और बेसिक गुड भी प्रोवाइड नहीं होगा, वो सर्वाइव कर पाए इतना भी उन्हें प्रोवाइड नहीं हो पाता, उसको हम लोग पुअर बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा कंप्राइजेस है, नॉट कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, वो कंप्राइजेस, ओके। तो अब हम लोग देख रहे हैं पॉवर्टी लाइन, ठीक है। पॉवर्टी आप जानते हैं, जब एक इंसान को बेसिक चीज भी नहीं मिलता जो कि वो सर्वाइव कर सके। एक इंसान को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, खाना, फूड चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, शेल्टर मतलब कि रहने के लिए घर, उन्हें क्लोथ्स चाहिए, ठीक है, और अब तो एजुकेशन, वाटर, सैनिटेशन, ये सारा चीज भी बेसिक नीड्स में आता है। तो ये सारी चीज अगर एक आम इंसान को, एक हर इंसान को, हमारे देश में जितने लोग रह रहे सबको नहीं मिल रहा है, तो हम उनको क्या बोलेंगे, पुअर बोलेंगे, ठीक है। अब लोग देखते हैं पॉवर्टी लाइन। अगर हम पॉवर्टी लाइन की बात करते हैं, पॉवर्टी एक लाइन जिसमें हम लोग एपीएल ले लेते हैं, अबव पॉवर्टी लाइन, बीपीएल ले लेते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, और ये सारे जो टर्म्स है आप बार बार सुनते होंगे, किसी ना किसी से तो जरूर सुनते होंगे आपने, न्यूज देख अगर आप देखते तो वहां पर आप सुनते होंगे। तो ये भी पॉवर्टी लाइन का ही पार्ट है, अबव पॉवर्टी लाइन और बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। देखिए पॉवर्टी लाइन क्या है, मिनिमम एक्सपेंडिचर और इनकम, ठीक है, मिनिमम एक्सपेंडिचर खर्च कर रहे या मिनिमम इनकम, ठीक है, मिनिमम इनकम टू परचेज अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, आपका एक मिनिमम खर्चा या फिर आप मिनिमम आय बोल सकते हैं, ठीक है, मिनिमम एक्सपेंडिचर और मिनिमम आपका इनकम जो कि आप खर्च करते हैं, जो आप परचेज करते हैं गुड्स एंड सर्विस, उसको बोलते हैं पॉवर्टी लाइन। एक मिनिमम इंसान का एस्टिमेट होता है, मिनिमम इनकम होता है या खर्च होता है जो हम लोग गुड्स एंड सर्विस में क्या करते हैं, खर्च करते हैं, उसको खरीदते हैं। उसके बाद हम पॉवर्टी रेशियो की बात करते हैं, तो ये क्या है, प्रपोर्शन ऑफ दी पॉपुलेशन बिलो दी पॉवर्टी लाइन। ये एक पॉपुलेशन का प्रपोर्शन है, जैसे कि हमारे देश का पूरा जनसंख्या, ठीक है, उसका कुछ प्रपोर्शन, कुछ अनुपात, ठीक है, आप लोग तो हिंदी से, जो हिंदी से पढ़ते हैं उनके लिए प्रपोर्शन मतलब अनुपात होता है, कुछ प्रपोर्शन जो कि पॉपुलेशन का बिलो पॉवर्टी लाइन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉवर्टी रेशियो। देखिए यहाँ पे लिखा था प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉवर्टी रेशियो, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी लाइन, ठीक है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन एंड रिलेटिव पॉवर्टी लाइन से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलग अलग तरीके से आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन एब्सोल्यूट और रिलेटिव से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बहुत फास्टली मैं समझा रही हूँ। एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन क्या है, इसमें हमारे बेसिक नीड्स आ जाते हैं, जैसे कि फूड, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, ठीक है, ये सारी क्या एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन में आते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ डिपेंड नॉट ओनली ऑन इनकम, ये सिर्फ इनकम पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है सोशल सर्विस पे भी, ठीक है,
ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन। इस पे क्या क्या आता है, सबसे मेन पॉइंट आप याद रखिए, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि बेस एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन, तो इसमें क्या क्या आएगा, आपका बेसिक सारा चीज, बेसिक ह्यूमन नीड्स इसमें आ जाते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन। अगर हम रिलेटिव पॉवर्टी लाइन की बात करते हैं तो ये जनरली यूज कौन से देश में होता है, रिलेटिव पॉवर्टी लाइन जनरली डेवलप्ड कंट्रीज में यूज होता है। देखिए हमारे देश में, मतलब हमारे देश के पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें, पूरे वर्ल्ड की, पूरे विश्व की बात करें हम, तो यहाँ पर एक होता है डेवलप्ड, एक होता है डेवलप्ड एंड सेकेंड इज डेवलपिंग। ओके, फर्स्ट इज डेवलप्ड, सेकेंड इज डेवलपिंग। तो डेवलप्ड कंट्री किसको बोलते हैं, जैसे कि अमेरिका, आप बोल सकते हैं डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की तो वो डेवलप्ड नहीं है, वो डेवलपिंग है। डेवलप्ड मतलब कि हर इंसान वहाँ पे सेविंग कर रहा है, उनका इनकम अच्छा है, उनका जिंदगी अच्छे से चल रहा है, वो डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, और हमारे देश वो पूरी तरह से विकसित हो चुका है, वो डेवलप्ड है, लेकिन हमारा जो देश है, जो हमारा जो देश है, ठीक है, आप इसको जैसे कि पूरे विश्व में जो भी देश है जो कि डेवलप नहीं है पूरी तरह से, जो डेवलपिंग की मतलब डेवलपिंग की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, डेवलप होने की कोशिश कर रहे हैं, उसी मतलब मार्ग में चल रहे हैं डेवलप होने की, तो उसको हम लोग बोलते हैं हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, जो पूरी तरह से डेवलप नहीं है लेकिन डेवलप हो रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, तो अगर हम बात करें रिलेटिव पॉवर्टी लाइन, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ये किस में यूज होता है, डेवलप्ड कंट्री में यूज होता है रिलेटिव पॉवर्टी लाइन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हाउस होल्ड इनकम इज लोअर देन मीडियन इनकम। यहाँ पे हाउस होल्ड इनकम क्या होगा, लोअर होगा मीडियन इनकम से। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है रिलेटिव पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट था, कल मैं और भी लेकर आऊंगी। तो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं पॉवर्टी चैप्टर से। देखिए मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी, ये कुछ क्वेश्चंस है जो हम लोग करवा रहे हैं। ठीक है, हम लोग कर रहे हैं जो कि ये सारे क्वेश्चन हमारा पॉवर्टी चैप्टर से। तो पॉवर्टी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या, हमारा मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी ऑफ एनी कंट्री थ्रू पर कैपिटा इनकम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज नोन एज। ठीक है, तो आप सबसे पहले जान लीजिए ये चीज कि टाइप्स दो टाइप के थे जो कि हम लोग देख लिए, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि आपको बताना है पॉवर्टी का मेजरमेंट किसी भी कंट्री में। ठीक है, अगर किसी भी कंट्री में पर कैपिटा इनकम के हिसाब से अगर पॉवर्टी को मेजर कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर पर कैपिटा इनकम के हिसाब से अगर हम लोग पॉवर्टी को मेजर कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट बोलेंगे, रिलेटिव बोलेंगे, कम्युनिटी बोलेंगे, बोथ बी एंड सी बोलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा रिलेटिव। ठीक है, जब हम लोग पर कैपिटा इनकम के हिसाब से अगर पॉवर्टी को मेजर करते किसी भी देश में होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव पॉवर्टी। आंसर इज बी। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि लाइक सेन इंडेक्स मेथड फॉर मेजरिंग डिटरमाइनिंग पॉवर्टी इज डेवलप्ड बाय। तो ये जो सेन इंडेक्स है ये किसने बनाया, अमर्त्य सेन का नाम सुना है, अमर्त्य सेन से ही बना है सेन इंडेक्स, जिसमें हेड काउंट रेशियो है, पॉवर्टी का बहुत सारा टॉपिक है। ठीक है, जो किसने बनाया है, अमर्त्य सेन ने बनाया है, इसलिए आप ये कभी मत भूलिएगा। सेन इंडेक्स से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, मतलब इसी क्वेश्चन को उल्टा पलटा करके आगे पीछे करके आपको दो तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेन इंडेक्स से, तो आप सेन इंडेक्स को याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, इसका हो जाएगा आपका ए, कि सेन इंडेक्स मेथड फॉर मेजरिंग डिटरमाइनिंग पॉवर्टी इज डेवलप्ड। ठीक है, सेन इंडेक्स किसने बनाया है, सेन इंडेक्स का मेथड किसने मेजर किया है, अमर्त्य सेन ने किया है। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पॉवर्टी गैप इंडेक्स इज द डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, पॉवर्टी गैप की अगर हम बात करें तो किसके बीच का डिफरेंस है, पॉवर्टी गैप किसके किसके बीच का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये है मीन इनकम ऑफ पुअर, पुअर एंड पॉवर्टी लाइन दोनों के बीच का डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं,
पॉवर्टी गैप इंडेक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जब भी मीन इनकम ऑफ पुअर, मतलब किसी भी पुअर का इनकम मीन इनकम होगा, ठीक है, मीन तो आप निकालने जानते हैं ना भाई, मीन इनकम ऑफ पुअर और उसका जो गैप, उसका जो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, एक लाइन होता है पॉवर्टी, एक लाइन होता है, ठीक है, जैसे कि ए हम लोग APL पढ़े अबव पॉवर्टी लाइन, BPL पढ़े बिलो पॉवर्टी लाइन, तो ये क्या है पॉवर्टी लाइन और इनकम, ठीक है, ये दोनों क्या होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉवर्टी गैप इंडेक्स, ठीक है, पॉवर्टी गैप इंडेक्स, ये दोनों का डिफरेंस, जो आपका इनकम है किसी एक इंसान का इनकम और पॉवर्टी लाइन, उसके बीच का जो गैप होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉवर्टी गैप इंडेक्स, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन में आते हैं कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू मेजर पॉवर्टी लाइन इन टर्म्स ऑफ, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत सरकार जो कि डिसाइड कर रही है कि मेजर करे पॉवर्टी लाइन, ठीक है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर पॉवर्टी लाइन मेजर करती है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंपल देखिए चार ऑप्शन आपको सही बताना है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बात करेंगे तो वो हाउस होल्ड कंजम्पशन होगा, हाउस होल्ड सेविंग होगा, हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट होगा या हाउस होल्ड होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें हाउस होल्ड सेविंग तो होने से रहा, क्योंकि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉवर्टी मेजर करेगी उसको हम लोग पॉवर्टी लाइन मेजर करेगी उसको हम लोग सेविंग कैसे बोलेंगे, वो तो नहीं होगा। अगर हम बात करें हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट की तो इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, हम लोग तो यहाँ पे मेजर कर रहे हैं पॉवर्टी लाइन, ठीक है, गवर्नमेंट मेजर करे पॉवर्टी लाइन तो वो तो हो ही नहीं सकता, हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो सकता। एक हाउस होल्ड हमारी आपकी जैसे एक इंडिविजुअल पर्सन को हम लोग बोलते हैं हाउस होल्ड, तो हाउस होल्ड भी नहीं हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, हाउस होल्ड कंजम्पशन, आंसर इसमें हो जाएगा आपका ए, हाउस होल्ड कंजम्पशन। अब इसका आंसर मैंने नहीं लिखा, मैं लिख देती हूँ, इसका आंसर होगा ए, कि जब पॉवर्टी गैप इंडेक्स किसको बोलते हैं, किसके बीच का डिफरेंस है, एक इंडिविजुअल पर्सन का इनकम और पॉवर्टी लाइन दोनों के बीच का डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉवर्टी गैप इंडेक्स, ठीक है। तो ये हमारा कुछ क्वेश्चन था, हम लोग ने रैपिड रिविजन किया पॉवर्टी के बारे में, क्योंकि एग्जाम करीब है, क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट बोथ आर बोथ का रिविजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अभी हम लोग का टाइम बहुत कम है तो हम लोग दोनों साथ साथ रिवाइज करते हुए चल रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे बिना हेजिटेशन के पूछ सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे बहुत अच्छे, बहुत न्यू चैप्टर के साथ, और साथ साथ हम लोग रिविजन के वीडियो भी कर लेंगे, कुछ जो भी होगा पॉसिबल तो वो हम लोग कल करेंगे, ठीक है। तो आज बस यहीं तक, हम लोग मिलेंगे कल।